सभी देखने सुनने वालों को ब्रिजमोहन भाई की दिवाली की बहुत 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 मुबारक हो ये दिवाली अथवा दीपावली जिसको कहते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा खुशियाँ मनाने का उत्सव है खुशियाँ तो हम अन्य उत्सवों में भी मनाते हैं लेकिन विशेष तौर पे ये सार्वजनिक खुशियाँ मनाने का उत्सव है इसमें बड़ा हो छोटा हो गरीब हो अमीर हो हर एक अपने अपने ढंग से उस दिन खुशी बहुत मनाते हैं और क्या करते हैं खुशी के दिन आप देखेंगे कि एक तो वो दीपक जलाते हैं तो हर जगह दीपक जगाए जाते हैं कोई तो झोपड़ी भी होगी तो एक आध दीपक उसमें ज़रूर जला हुआ होगा इसको रोशनी को शुभ मानते हैं आजकल बाहर की रोशनी करते हैं लेकिन करते ज़रूर हैं अंधकारा जाए अंधकार जाए और रोशनी आए दूसरे दिवाली के दिन मिठाई खाते हैं यानी मुख मीठा करते हैं और कराते हैं सारे देश में हलवाई पंद्रह पंद्रह दिन पहले मिठाइयाँ तैयार करके स्टॉक रखते हैं ताकि उस दिन या उससे का दिन पहले लोग कोई खाली ना जाए उनका स्टॉक ही ख़त्म ना हो जाए छोटा हो या बड़ा गरीब हो या अमीर मुख मीठा ज़रूर करते हैं तीसरे हम देखते हैं कि नए कपड़े पहनते हैं तो दिवाली के साथ जैसे नवीनता जुड़ी हुई है और नवीनता की ही खुशी होती है तो अपने कपड़े भी नए पहनेंगे अपने घर में भी पेंट कराएंगे सफेदी कराएंगे उसको नया जैसा बनाने की कोशिश करेंगे और ये भी भारत देश में रस्म है कि दिवाली के लिए कोई नए बर्तन खरीदते हैं तो सारे बर्तन तो नए नहीं, नहीं खरीद सकते पर रस्मी तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए चाहे एक चम्मच या ग्लास ही खरीद लें तो नए बर्तन भी ख़रीदते हैं तो इससे लगता है कि दिवाली नवीनता का नई चीज़ का और नई चीज़ की प्राप्ति की खुशी का उत्सव है एक हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ नई गिनी जाती है जो भारत का देसी अकाउंट्स का सिस्टम है वो भी दिवाली के दिन से शुरू करते हैं तो ये मोटी मोटी बातें हम देखते हैं अब हम हर साल ये करते हैं एक दिन की खुशी मनाते हैं उसके बाद वो दिवाली जैसे कि काल के पर्दे में चली जाती है फिर एक वर्ष के बाद दिवाली आती है फिर हम यही करते हैं तो अगर हम आज इस बात पर विचार करें कि ये दिवाली किस चीज़ का प्रतीक है एक होती है असली दिवाली और एक होती उसका यादगार या प्रतीक या उसका मेमोरियल उसकी स्मृति को मनाना तो जब हम कोई भी भारत का फेस्टिवल है उत्सव है तो वो किसी न किसी चीज़ का स्मारक है जो दिवाली हम आजकल मना रहे हैं वो यादगार मात्र है वो एक स्मारक है एक दिन की हमें झलक दिखाता है कि कभी दुनिया नई थी लोग नए थे नया युग शुरू हुआ था पुराने से सब नया हुआ था लोगों के वस्त्र में शरीर भी नए हो गए थे लोगों की मिठाई तो मुख में सिंबॉलिक डालते हैं लेकिन लोगों के मुख से मिठाई निकलता था मीठा बोल बोल रहे मनवा जैसे कहते हैं वो तो मीठा ही बोलते थे एक दूसरे के साथ मिठास से और स्नेह से बात करते थे इसी प्रकार से बर्तन घर को साफ करना आदि एवरीथिंग न्यू जिसको कहा जाता है। अब वो दिवाली आने से पहले क्या दशा होगी तो हम जानते हैं कि दुनिया ऐसे नहीं कि एक दिन बनी थी लेकिन दुनिया का एक चक्र है जो नई से पुरानी होती है पुरानी से फिर नई बनाई जाती है फिर नई से पुरानी होती है फिर पुरानी से नई बनाई जाती है इसका थोड़ा सा चिन्ह श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है कि जब धर्म की गलानी हो जाती है अर्थात मानवीय मूल्यों का ह्रास हो जाता है मनुष्य जो देवता थे कभी वो आसुरी संस्कार वाले बन जाते हैं बिकारी बन जाते हैं पतित बन जाते हैं तो उसका परिवर्तन सारी दुनिया का होता है एक दो चार लोगों का नहीं होता जैसे रात पड़ती है तो सबके लिए रात हो जाती है और जब दिन चढ़ता है तो सबके लिए दिन चढ़ता है तो दिवाली एक बहुत सिग्निफिकेंस का एक उत्सव है क्योंकि इसमें नवीनता और नयापन दिखाया जाता है हम ये भी जानते हैं कि दीपावली से पहले दशहरा आता है ये जो दीपक शब्द हम कहते हैं ये कोई सूल दीपकों की बात नहीं है आत्मा का दीपक है जैसे हम नाम भी यूज करते हैं ना कुलदीप अर्थात अपने कुल को रोशन का नाम रोशन करने वाला जगदीप जगत को अंदर अपनी महिमा फैलाने वाला तो उससे पहले जो होता है वो आत्माएं जो है विकारों से ग्रसित होती हैं तो ग्रसित विकारों जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक हम दशहरा नहीं मनाएंगे तो दिवाली नहीं आ सकते तो दशहरे में आप देखेंगे जलाया जाता है और अच्छी तरह से रावण को और उसके साथियों को सुहा किया जाता है और परमात्मा ही दिखाते हैं तीर मार के वो करते हैं वो सिंबॉलिक है लेकिन हमें अब खुद ही अपने अंदर हमारे अंदर जो रावण घुसा हुआ है आप देखेंगे लोग समझते हैं हमने रावण को जला दिया जाके साल में एक बार तो ख़त्म हो गया अगर ख़त्म हो जाए तो एक बार जलाने से दोबारा ना जलाना पड़े हम तो उसको हर साल जलाते हैं और उसके पुतले को और ऊंचा करते जाते हैं बड़ा जिससे ये सिद्ध होता है कि रावण मरा नहीं है बल्कि और बढ़ रहा है और सबके अंदर फैल रहा है तो रावण जिसको हम दस सिर दिखाते हैं तो दस सिर कोई किसी मनुष्य के नहीं होते ये भी प्रतीकात्मक हैं कि काम क्रोध लोभ और अहंकार पुरुष में काम क्रोध लोभ और अहंकार नारी में नर नारी का कंबाइंड स्वरूप जैसे विष्णु जी देवता का लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है तो रावण भी तो कलजुगी पतित नर नारी का कंबाइंड स्वरूप है इसको हम मारें अर्थात इन सूक्ष्म शत्रुओं को हम परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति लेकर योग बल से इनको भस्म करें तो पहले दशहरा आता है उसके बाद दिवाली आती है जो एक दिन की हम दिवाली मनाते हैं वो यादगार मात्र है लेकिन अब सच्ची दिवाली मनाने का अवसर आ गया सच्ची दिवाली मनाने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है ऐसे नहीं कि दोपहर में रात हो जाती है रात शाम के बाद ही होती है ऐसे नहीं कि द्वापर युग में या बीच में सच्ची दिवाली शुरू हो जाती है नहीं जब सारी दुनिया कंप्लीटली पतित हो जाती है क्योंकि सारी दुनिया में दिवाली आनी है सारी दुनिया में दिन चढ़ना है उस समय ये कर्तव्य होता है और हमारे सबके भाग्य की बात है कि वो समय अभी चल रहा है अधिक जानकारी के लिए ब्रह्मा कुमारी से किसी भी सेवा केंद्र से निकटवर्ती से संपर्क कर सकते हैं ओम शांत आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।